Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning English Reader of Class 1 by Brain Root series and here is a book, Literary Journeys. Today we are going to start chapter number 6 and the name is Twins Bedroom. So, who are twins? Twins कौन होते हैं? दो जुड़वा भाई या फिर जुड़वा बहनें, उन्हें twins कहा जाता है. तो चलिए पढ़ते हैं कहानी Twins Bedroom की. So, let's start with the warming up. We shall read about the new room of Veer and Dheer. तो ये जो है ये एक रूम है दो भाइयों का, एक का नाम है वीर और दूसरे का धीर. And the things in the room, और क्या क्या चीजें हैं उनके रूम में. We shall also learn about the importance of thankfulness in our life. हमारी लाइफ में हमें चीजों को लेके थैंकफुल होना चाहिए. That we will learn in this chapter. So the story starts here. The twins, Veer and Dheer, are very happy. ये जो twin brothers हैं, वो बहुत ज़्यादा खुश हैं. They have a new bedroom. अब उनका नया bedroom बन चुका है. There is a bunk bed with a small ladder. उनके कमरे में एक bunk bed है. Bunk bed आपको पता है क्या होता है? एक bed, अब उसके ऊपर सीढ़ी लगा के दूसरा bed लगा हुआ होता है. So stairs से आप जो है जा सकते हो दूसरे बेड तक. तो एक बेड यहाँ पे है और दूसरा बेड उसके ऊपर, ऐसे बेड को हम बंक बेड कहते हैं. सो देयर इज अ बंक बेड विद अ स्मॉल लैडर, एक छोटा सा लैडर है जिससे वो बंक बेड तक जा सकते हैं. देयर आर पिलोज एंड क्विल्ट्स, उनके इस बेड पे पिलोज है मींस तकिए हैं, क्विल्ट मींस चद्दरें हैं ओढ़ने के लिए. देयर आर टू चेयर्स एंड अ टेबल, उसके रूम में टू चेयर्स हैं और एक टेबल भी है. देर इज अ बिग विंडो विथ कर्टन्स, एक बड़ा सा विंडो है उनके कमरे में जिसमें पर्दे लगे हैं, कर्टन्स लगे हैं. देर इज अ बिग पिक्चर एंड अ क्लॉक ऑन द वॉल, तो एक बड़ी सी पिक्चर है उनके कमरे में और एक क्लॉक मींस घड़ी भी है. देर आर टू कबर्ड्स, वन फॉर वीर एंड वन फॉर धीर, तो वीर और धीर उन दोनों के लिए टू कबर्ड्स. आप देख सकते हो कबर्ड में वीर और धीर दोनों लिखा हुआ है, तो एक पोर्शन वीर का है दूसरा धीर का. सो देयर आर टू कबर्ड्स, वन फॉर वीर एंड वन फॉर धीर. दे पुट देयर क्लोथ्स एंड शूज देयर, वो अपने जूते और कपड़े वहीं रखते हैं. देयर इज अ ड्रेसिंग टेबल विथ टू ड्रॉअर्स एंड अ मिरर, अब उनके कमरे में एक ड्रेसिंग टेबल भी है. ये है आपका ड्रेसिंग टेबल जिसमें दो ड्रॉअर हैं और एक मिरर है. देयर आर ऑल्सो टू बिग बॉक्सेस फॉर देयर टॉयज, अब टॉय रखने के लिए दो बड़े बड़े बॉक्सेस भी हैं. देयर इज अ लार्ज मैट ऑन द फ्लोर, और फ्लोर पे एक बड़ा सा मैट बिछा हुआ है. मैट पता है आपको क्या कहते हैं? दिस इज अ मैट, तो वहां पे एक बड़ा सा मैट भी बिछा हुआ है. आप देख सकते हो ये है बंक बेड जहां पे एक लैडर है और यहाँ पे दोनों के बेड्स हैं. फादर आस्क्ड वीर एंड धीर, बॉयज डू यू लाइक योर न्यू रूम, फादर ने अब वीर और धीर से पूछा कि क्या तुम दोनों को अपना नया रूम पसंद आया. वीर सेज ओह यस दिस इज अ वेरी प्रिटी रूम, ये बहुत ही सुंदर रूम है. आई लाइक इट, थैंक यू फादर, तो उसने बोला मुझे बहुत अच्छा लगा और आपको थैंक यू. अब धीर ने क्या बोला? आई लाइक इट टू, थैंक यू मदर, अब उसने बोला मुझे भी अच्छा लगा और मदर आपको भी थैंक यू. मदर स्माइल्स एंड सेज, मदर हंसती हैं और बोलती हैं इट इज प्ले टाइम नाउ बॉयज, तो बॉयज जाओ ये अब खेलने का समय हो चुका है. यू कैन टेक योर टॉयज आउट ऑफ द बॉक्स, तो बॉक्स में से अपने टॉयज निकाल लो. प्ले विद देम देन पुट देम बैक इन द बॉक्स, उनसे खेल के वापस बॉक्स में डाल देना. वी टर्न्स ऑन टू हिज ब्रदर एंड सेज कम धीर लेट्स प्ले कैरम, अब वीर अपने भाई की तरफ मुड़ता है और उससे कहता है कि चलो भाई हम दोनों क्या खेलेंगे? कैरम खेलेंगे. सो दिस वॉज द स्टोरी चिल्ड्रेन, नाउ लेट्स मूव ऑन टू ग्लॉसरी. फर्स्ट इज बंक बेड, टू बेड्स दैट आर फिक्स वन अबव द अदर, दो ऐसे बेड जो एक के ऊपर एक फिक्स होते हैं.
Quilt, a bed cover made of two pieces of cloth stitched together with cotton or wool in between. Quilt क्या है? ये एक तरीके की चद्दर है जो दो कपड़ों को जोड़ के बनाई जाती है, जिसके अंदर कॉटन या फिर वूल भरा हुआ होता है. नेक्स्ट इज पोर्ट, मीन्स टू कीप. लार्ज मीन्स बिग. ड्रेसिंग टेबल क्या है? अ टेबल विथ अ मिरर यूज फॉर कीपिंग थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर गेटिंग रेडी. सो ड्रेसिंग टेबल क्या है? ये एक टेबल है जिसमें मिरर होती है, जिसमें चीजें रखी जाती हैं जब हम तैयार होते हैं. ड्रॉर्स क्या है? बॉक्सेस दैट स्लाइड इन एंड आउट ऑफ द टेबल. ऐसे बॉक्सेस जो टेबल में से बाहर निकाले जा सकते हैं और अंदर रखे जा सकते हैं. किसी टेबल में होता है, किसी डेस्क में या फिर किसी कबर्ड में भी ये हो सकता है जिसमें चीजें रखते हैं. नाउ लेट्स मूव ऑन टू बुक एक्सरसाइज चिल्ड्रेन. कॉम्प्रिहेंशन ए पार्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. सो ये द फर्स्ट क्वेश्चन इज द बैंक बेड हैज अ डैश लैडर. लॉन्ग लैडर, स्मॉल लैडर, टॉल लैडर और शॉर्ट लैडर. सो इट हैज अ स्मॉल लैडर. देयर आर डैश ऑन द बेड. बेड पे क्या है? पिलो एंड क्विल्ट, ब्लैंकेट एंड क्विल्ट, पिलो एंड ब्लैंकेट, शीट एंड क्विल्ट्स. सो द करेक्ट आंसर इज पिलोज एंड क्विल्ट्स. वीरेन धीर प्ले. क्या खेल रहे हैं ये? बॉक्सेस, टॉयज, क्विल्ट्स या फिर कैरम. सो ये दोनों बच्चे कैरम खेल रहे हैं. नेक्स्ट फोर्थ वन. वीर एंड धीर हैव टू डैश फॉर देयर टॉयज. उनके पास टू क्या है जिसमें वो टॉयज रखते हैं? बॉक्सेस हैं, टॉयज हैं, क्विल्ट्स हैं या फिर कुछ भी नहीं. सो दे हैव टू बॉक्सेस. हाउ मेनी चेयर आर देयर इन द रूम. रूम में कितनी चेयर है? टू, थ्री, फोर और डाइव. सो इट इज टू. नाउ लेट्स मूव ऑन टू फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग हेल्प बॉक्स. सो हियर चिल्ड्रेन द फर्स्ट क्वेश्चन इज the dash are excited because they have a new bedroom. So the twins are excited. Right here, twins. The big boxes are for their. जो बड़े boxes हैं वो किस चीज के लिए? For their toys. Now third one, there is a dash table in the room. There is a ड्रेसिंग टेबल इन देयर रूम. लेट्स राइट हियर ड्रेसिंग, जिसमें वो तैयार हो सकते हैं खड़े होके. देयर इज अ बिग पिक्चर ऑन द डैश. बिग पिक्चर कहाँ है? वॉल पे. सो चिल्ड्रेन दिस फिफ्थ क्वेश्चन इज योर होमवर्क. डू इट योरसेल्फ. सो राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स for the following sentences. So do Veer and Dheer put their clothes in the same cupboard? क्या वो दोनों अपने कपड़े एक ही कबर्ड में रखते हैं? No, they have separate cupboards. Do Veer and Dheer share their toys? क्या वो अपने toys को share करते हैं? Yes, true. Do Veer and Dheer have any fixed time for doing things? क्या चीजों को करने के लिए उनका कोई fixed time है? Yes, they have a fixed time because it was a play time. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. I'll be meeting you soon with a new video. Till then, stay tuned and thanks for watching.